दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठ विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष की छाव में बुद्ध अपने भिक्षुओं की जिज्ञासा दूर कर रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षु एक एक करके उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और गौतम बुद्ध उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। बुद्ध के उन भिक्षुओं में कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही संघ से जुड़े हुए थे, जिसके कारण अभी उनके भीतर वह समझ पैदा नहीं हुई थी जो गौतम बुद्ध के प्रवचनों को समझ सकें। गर्मियों का समय था, सूरज अपने चरम पर था और चारों तरफ धूप ही धूप थी, लेकिन उस वृक्ष के कारण बुद्ध और उनके सभी भिक्षु आराम से छाव में बैठे हुए थे। इतने में ही गौतम बुद्ध के एक भिक्षु की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो उस वृक्ष के पास से ही गुजर रहा था। वह भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक से ही हंसने लगता है। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण उसकी कमर मुड़ गई थी। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था, जिसका सहारा लेकर वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र था। अपने भिक्षु को हंसते हुए देख बुद्ध उससे कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षुओं, कृपा कर हंसो मत, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति इसी क्षण तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है जो आज तक मैं तुम्हें सीखा नहीं पाया। वह ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सीखा रहा है, इसके द्वारा दी गई सीख को बेकार ना करो। बुद्ध की ये बात सुनकर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि मुझे क्षमा करे बुद्ध, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो एक बूढ़ा व्यक्ति जो खुद अपने शरीर और अपनी बीमारियों से लाचार है, वो मुझे क्या सिखा सकता है। फिर बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे को और लाचारी को देखकर तुम अभी हंस रहे हो, वो बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाली है। वह बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है इस स्वस्थ शरीर का अच्छे कर्म करने के लिए उपयोग करो। अगर तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर से वापस नहीं आएगा, और अभी तुम्हारा ये शरीर सही से काम कर रहा है, जैसे कि तुम्हारे हाथ, पैर, आंख, कान और ये सभी चीजें सही से काम कर रही है। क्या ये छोटी बात है और क्या तुम इसे मामूली सी बात समझ रहे हो? ये घटना कोई साधारण घटना नहीं थी जो अभी तुम्हारे साथ घटी, और ये घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरह की घटना ने मेरा जीवन बदला था, और इस तरह की घटना के कारण ही मैं आज बुद्ध हूँ। फिर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि क्षमा करें बुद्ध, परंतु मेरे मन में यह विचार ही नहीं आया कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूँ। उसे देखकर केवल मुझे हंसी आ गई। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपने भीतर कहीं ना कहीं लगता है कि जिस स्थिति में आज वो बूढ़ा व्यक्ति है, उस स्थिति में तुम कभी नहीं आओगे। जिस बुढ़ापे का और लाचारी का सामना आज वो बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है, तुम्हें लगता है कि उसका सामना तुम कभी नहीं करोगे, इसीलिए तुम उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंस पाए। तुमने सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई को देख लेते तो चाहकर भी अपने आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और तुम बहुत बड़ी संभावना से चूक गए। बुद्ध की ये बात सुन वो भिक्षु बुद्ध से क्षमा मांगता है और ये निश्चय करता है कि वह अपने स्वास्थ्य का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने में नहीं, बल्कि परम सत्य को पाने में करेगा। दोस्तों, जो लोग इस कहानी को देख रहे हैं, हो सकता है कि आप बड़ी बड़ी समस्याओं में हो या हो सकता है कि आप परेशानियों में हो, लेकिन फिर भी एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है, तब तक आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर आ सकते हैं।
दोस्तों, इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि हमारा स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा उपहार है जो हमें इस सृष्टि से मिला हुआ है, इसीलिए इसका उपयोग सही से करें। धन्यवाद।